जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद केंद्र सरकार लोगों का भरोसा जीतने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत आज से मोदी सरकार के मंत्रियों का एक दल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग इलाकों में जाएगा, जहां ये केंद्रीय मंत्री लोगों के घर घर जाकर सीधे बातचीत करेंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू कन्वेंशन सेंटर में लोगों से मुलाकात करेंगे और आर्टिकल 370 समेत CAA और NRC के बारे में लोगों को जानकारी देंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी जम्मू के परमंडल में लोगों से घर जाकर मिलेंगे। तो वहीं जम्मू के सुजवाल में सरकार के इस अभियान की कमान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे संभालेंगे, जबकि 19 जनवरी को स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर भी लोगों से बातचीत करेंगे। 20 जनवरी को आरके सिंह, प्रताप सारंगी और देवश्री चौधरी भी अलग अलग इलाकों में जाकर आम लोगों से मिलेंगे। तो वहीं 21 जनवरी को ये जिम्मेदारी किरेन रिजिजू, जनरल वीके सिंह समेत कई नेता संभालेंगे और लोगों से राज्य के हालात पर बात करेंगे, जबकि 23 जनवरी को रविशंकर प्रसाद, साध्वी निरंजन ज्योति समेत कई नेता अलग अलग इलाकों का दौरा करेंगे। तो वहीं 24 जनवरी को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और गिरिराज सिंह समेत कई नेता जम्मू कश्मीर में लोगों से मिलकर उनका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे।